सब्सक्राइब कीजिए DDN न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, वाराणसी लोकसभा सीट देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की होने की वजह से वाराणसी सीट हमेशा से ही चर्चाओं में रहता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां से अपना प्रत्याशी बदलकर फिर से इस सीट पर चुनाव दिलचस्प कर दिया है। वाराणसी लोकसभा सीट से सपा बसपा RLD ने शालिनी यादव को उम्मीदवार बनाया था, जिसको बदलकर अब सपा ने BSF के बर्खास्त जवान तेज बहादुर को यहां से प्रत्याशी बनाया है। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि हमारे इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में बताएं कि नरेंद्र मोदी कितने मार्जिन से चुनाव जीतने में सफल होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि शालिनी यादव श्यामलाल यादव की बहू है। श्यामलाल यादव कांग्रेस के पूर्व सांसद और राज्यसभा के पूर्व उप सभापति रह चुके हैं। शालिनी यादव ने 22 अप्रैल को ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हुई थी। जाने पूर्व BSF कांस्टेबल तेज बहादुर यादव के बारे में सब कुछ। दोस्तों, पूर्व BSF कांस्टेबल तेज बहादुर यादव हरियाणा रेवाड़ी के रहने वाले हैं। साल 2017 में वो उस वक्त चर्चा में आए जब उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें जवानों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी की आलोचना कर रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद उनके आरोप गलत निकले और तेज बहादुर यादव को नौकरी से निकाल दिया गया था। इन्होंने पहले लोकसभा चुनाव 2019 में वाराणसी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद उन्होंने सपा से नामांकन किया है। वायरल वीडियो में जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पहाड़ी इलाके के बर्फीले स्थान पर सैनिकों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता की शिकायत करता नजर आ रहे थे। इसके बाद उसे अनुशासनहीनता के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। जनवरी 2019 में तेज बहादुर के 22 साल के बेटे की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। वह अपने कमरे में बंदूक के साथ मर्द पाया गया था। तेज बहादुर ने बताया था कि अफसरों से शिकायत करने पर भी कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ तक कि गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हरियाणा में रहने वाले उनके बड़े भाई हनुमान यादव ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया था कि हमारा परिवार सैनिकों का परिवार है। तेज बहादुर 5 भाइयों में सबसे छोटे हैं। हमारे एक बड़े भाई भी BSF में कार्यरत हैं। हमारा दादाजी नेताजी के बल में एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अगर उन्होंने कुछ मुद्दा उठाए हैं तो वे केवल इसलिए हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि हमारी प्रणाली में सुधार हो। हरियाणा के रेवाड़ी में तेज बहादुर यादव ने पत्रकारों से कहा, मैं वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। यादव ने कहा कि वे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैंने भ्रष्टाचार का मामला उठाया लेकिन मुझे बर्खास्त कर दिया गया। मेरा पहला उद्देश्य सुरक्षा बलों को मजबूत करना और भ्रष्टाचार खत्म करना होगा। हाल ही में BBC को दिए इंटरव्यू में जब हरियाणा के रहने वाले तेज बहादुर से पूछा गया कि आखिर वाराणसी को ही चुनाव के लिए क्यों चुना गया, तो उन्होंने बताया कि वो फौज पर राजनीति करने वालों को हराना चाहते हैं। पीएम मोदी के लिए तेज बहादुर ने कहा, पीएम मोदी हमारी फौज का नाम बदनाम कर रहे हैं, जिससे जवानों के हौसले कमजोर पड़ गए हैं। उरी हमले के बाद सेना की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक और इस साल पुलवामा हमले के बाद वायुसेना की ओर से की गई एयर स्ट्राइक का श्रेय अक्सर BJP के नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी को देते हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।